ये हिंदुस्तान है जनाब, यहां पर जुगाड़ चलता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिला रजौरी के नौशहरा में एक पंचायत है, जिस पंचायत का नाम है बजनोवा, और उस बजनोवा पंचायत की सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने पंचायती चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेज मुहैया करवाए थे, यानी कि फेक कास्ट सर्टिफिकेट मुहैया करवाया था, जिसके आधार पर उन्होंने सरपंची इलेक्शन लड़ा। और आपको मैं बता दूं कि शेड्यूल कास्ट फेक सर्टिफिकेट बनाया और उसके बाद जो है वो पंचायती चुनाव लड़े। जैसे ही ये बात सार्वजनिक हुई और क्राइम ब्रांच में इसकी रिपोर्ट की गई, क्राइम ब्रांच ने जो है वो एफआईआर दर्ज की है और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिन भी सरकारी अधिकारियों ने ये फेक सर्टिफिकेट बनाने में मदद की है संतोष कुमारी की, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विडंबना देखिए, यहां पर विडंबना यह है भारत की कि यहां पर अगर कोई सही तरीके से सही कागज बनाने की कोशिश करता है तो उसमें महीनों साल लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई फेक सर्टिफिकेट बनाना हो तो वो चंद दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। ये सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये सवालिया निशान है उन सरकारी अफसरों पर जो एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठे होते हैं। जब एक गरीब आदमी आपके पास आता है अपनी मुश्किलें लेकर, अपनी फरियाद लेकर कि मेरा फला सर्टिफिकेट बनाना है, आप हमें इसका तरीका बताइए, कितने देर में बनेगा वो भी बताइए, और सामने से सरकारी बाबू का जवाब होता है एक महीना लगेगा, दो महीना लगेगा। जब एक या दो महीने बाद वो शख्स फिर से वहां जाता है तो बात वहीं पर आ जाती है कि एक महीना या दो महीना और लगेगा, तब जाकर आपका सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन नौशेरा की ये पंचायत बजनोवा, जहां की सरपंच संतोष कुमारी हैं, उन पर फेक कास्ट सर्टिफिकेट का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्राइम ब्रांच इसकी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अपने हक के लिए, सही कागज बनाने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में इतना समय क्यों लगता है, और अगर कोई फेक सर्टिफिकेट, कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाना हो तो तुरंत ही बन जाता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पैसों के लिए अब काम कर रही है? जब इस प्रकार के केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब हम सही कागज बनाने के लिए, सही डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से जो आप फॉर्म देते हैं उसको फिल करते हैं, जो आप फीस बताते हैं हम वो फीस भरते हैं, जैसे जैसे आप हमें तरीके बताते हैं वो तरीके सब अपनाते हैं, और जब हम आप तक पहुंचते हैं तो आप हमें कहते हैं कि आज समय नहीं है, कल आइएगा, कल समय नहीं है, परसों आएगा। हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट तब बनकर तैयार नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ रसूखदार पैसा फेंकते हैं, पैसे के दम पर फर्जी कागज बनाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और वही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद जो है वो चुनाव भी लड़ते हैं। और विडंबना देखिए, उनके फर्जी दस्तावेजों की कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, वो चुनाव जीत भी जाते हैं और पंचायत के पद पर बैठ भी जाते हैं, और जब ये भनक लगती है प्रशासन को, अब जाकर कार्रवाई होती है। दो साल से ऊपर का समय होने को आ रहा है, पंचायती चुनाव हुए, सवाल ये है कि दो साल तक कैसे मालूम नहीं चला प्रशासन को कि ये फर्जी दस्तावेज थे? क्या जो भी शख्स चुनाव से पहले अपने दस्तावेज जमा करवाता है, क्या वो दस्तावेज वेरीफाई नहीं किए जाते? क्या वो दस्तावेजों को चेक नहीं किया जाता कि जो भी कैंडिडेट ने हमें अपने दस्तावेज मुहैया करवाए हैं, क्या ये दस्तावेज सही हैं या फिर फर्जी हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई भी शख्स आज के जमाने में फर्जी वाला कर बच नहीं सकता, ये हकीकत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि
अगर इस प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि फेक डॉक्यूमेंट फेक सर्टिफिकेट बनाने के बाद संतोष कुमारी द्वारा चुनाव में हिस्सा लिया गया और वो चुनाव जीता भी, सरपंच भी बन गई, लेकिन फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में फंस गई। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और अब क्राइम ब्रांच इस पर कार्रवाई कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है और उन सरकारी अफसरों पर भी जांच पड़ताल हो रही है जिन्होंने इस सरकारी फर्जी दस्तावेज यानी के फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की मदद की है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है अपनी बाय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर जम्मू।